चुनावों का दौर है और युवाओं का बोलबाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल खबर में और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। इस चुनावी दौर में ऐसी ऐसी तस्वीरें और ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो बताते हैं कि भाई एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड इलेक्शन। अभी कल हमने आपको दिखाया था कि चिराग पासवान कैसे चुनावी एक्टिंग कर रहे हैं इमोशनल वोट पाने के लिए। अब ऐसे एक वीडियो तेजस्वी यादव का जमकर वायरल हो रहा है जहाँ वो जनसभा में एक युवा के हाथ जो है वो मरोड़ते दिखाई दे रहा है। आप पहले पूरा वीडियो जरा गौर करके देखिए कि किस तरीके से तेजस्वी यादव युवक का हाथ मरोड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव का अभी अभी जो वीडियो आपने देखा फिलहाल वो वायरल है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने साथ सेल्फी ले रहे एक युवक का हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा और ढकेल दिया। इस पर तेज प्रताप यादव की किरकिरी भी हुई। अब तेजस्वी यादव ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि बहुत लोगों का मन उनसे मिलने का, उनसे सेल्फी लेने का, लेकिन अब सब लोग शांत आ जाए। धर्मेंद्र कुमार नाम के एक ट्विटर ने यूजर पे लिखते हुए कहा, ट्वीट करते हुए कहा कि ये वही लड़का, मैं वही लड़का हूं जो जिसका तेजस्वी यादव ने हाथ जो है वो मरोड़ा था। इस ट्वीट को आरजेडी ने रीट्वीट किया। बता दें इस ट्वीट में लिखा गया है कि मैं सेल्फी लेने के धुन में था, सामने हेलीकॉप्टर चल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर तेजस्वी जी हमको इस तरह नहीं खींचते तो शायद मेरे साथ कोई बड़ी घटना घट जाती। आप सब बात का बतंगड़ ना बनाए, कार्यकर्ताओं को छोटे भाई समान मानने वाले तेजस्वी भैया जिंदाबाद। आपको बता दें कि आरजेडी ने चुनाव आयोग से एक चिट्ठी भी लिखी है। इस ट्वीट में करते हुए कहा है कि आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि माननीय चीफ इलेक्शन ऑफिसर, बार बार अनुरोध के बावजूद हम तेजस्वी यादव के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, ना ही जनसभाओं में और ना ही हेलीपैड पर, जिसके कारण असामाजिक तत्व परेशानी खड़ी कर सकते हैं, कृपया इस मामले को देखें। वही युवा आरजेडी ने एक ट्वीट साझा करते हुए लिखा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है। आसानी से लोग ना सिर्फ हेलीपैड तक पहुंच जा रहे हैं बल्कि हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ भी कर रहे हैं जो प्राण घातक भी साबित हो सकता है। आपको बता दें तेजस्वी यादव की रैलियों में काफी भीड़ नजर आती है। हेलीपैड तक पहुंची भीड़ का यह नजारा सचमुच गंभीर है। इस स्थिति में अगर कोई किसी को भी कोई हादसे का शिकार हो जाए तो आखिर किसकी जिम्मेदारी होगी? इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।